डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जिला अंबेडकर नगर एक संसदीय क्षेत्र है और ये उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 55वें नंबर की सीट है। अंबेडकर नगर के संसदीय क्षेत्र बनने से पहले ये अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में आता था और यहीं से जीत हासिल कर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 3 बार लोकसभा पहुंची। अंबेडकर नगर का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अंबेडकर नगर में सियासी इतिहास क्या कहता है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि मौजूदा समीकरण क्या कहते हैं। जिला बनने के 13 साल बाद इसे संसदीय सीट का दर्जा मिला, पर सीमन आयोग की सिफारिश के बाद 2008 में संसदीय सीट बनी। इसके 1 साल बाद 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। पहले ये अकबरपुर लोकसभा सीट के रूप में जाना जाता था। 2009 के चुनाव में बीएसपी के राकेश पांडे ने यहां से सांसदी का चुनाव जीता। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी के हरिओम पांडे ने बीएसपी के राकेश पांडे को हराया था। 1952 में ये फैजाबाद जिला नॉर्थ वेस्ट के तहत आता था। यहाँ से कांग्रेस के पन्नालाल चुनाव जीत कर क्षेत्र के पहले सांसद बने थे। 1957 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट बनी, जहाँ से पन्नालाल ने फिर जीत हासिल की। फिलहाल ये सीट मायावती के संसदीय क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। मायावती ने यहाँ से 4 बार लोकसभा चुनाव जीता है। सबसे पहले मायावती 1989 में चुनाव जीत कर संसद पहुंची। उसके बाद उन्होंने 1998 और 1999 में भी जीत हासिल की। 2002 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। 2002 में हुए उपचुनाव में बीएसपी के ही त्रिभुवन दत्त यहां से जीते। 2 साल बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में मायावती यहां से जीती। अंबेडकर नगर का सामाजिक ताना-बाना भी कई इशारे करता है। मायावती का गढ़ इस जिले को माना जाता है और इस सीट को कहा जाता है कि मायावती की पार्टी यहां से हमेशा से जीतती रही है, लेकिन 2014 में एकदम उलट हुआ था। अब आइए देखते हैं कि इस बार का सामाजिक ताना-बाना सामाजिक समीकरण क्या कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंबेडकर नगर की आबादी 24 लाख है। यहाँ पर 12.1 लाख यानी 51% पुरुष आबादी है, 11.9 लाख यानी 49% महिलाएं रहती हैं, जिसमें 75% आबादी सामान्य वर्ग और 25% आबादी अनुसूचित जाति की है। धर्म के आधार पर 83% आबादी हिंदुओं और 17% मुस्लिमों की आबादी है। अंबेडकर नगर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 17,18,774 मतदाता थे, जिनमें 9,23,553 पुरुष, 7,95,221 महिलाएं मतदाता थीं। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां करीब 60.2% मतदान हुआ था। 2014 में बीजेपी को कुल 4,32,104 वोट मिले थे। बीएसपी को करीब 2,92,067 वोट मिले थे। सपा के राममूर्ति वर्मा तीसरे और कांग्रेस के अशोक सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2014 के बीजेपी के वोट बैंक को देखा जाए तो वो करीब 4,32,000 है, लेकिन सपा और बसपा दोनों का वोट बैंक अगर मिला दिया जाए तो बीजेपी से कहीं आगे दोनों निकलते हैं। ऐसे में इस बार महागठबंधन की जीत पुराने आंकड़ों के आधार पर पक्की मानी जा रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वोट बैंक में कटौती भी हुई है, लेकिन फिर भी युवा वोटरों के बढ़ने से वो रेशियो बराबर हो जाता है। ऐसे में अंबेडकर नगर से इस बार महागठबंधन की जीत पक्की मानी जा रही है। बाकी 23 मई के नतीजे बताएंगे कि जीत का ताज किसके सिर सजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।